गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुदर्शन कुमार, आपका अपना चैनल SM ITI जोन में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को दोलित्र चैप्टर के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा, जो आपके UPPCL TG2 एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ वैसे विद्यार्थी जो सेमेस्टर या एनुअल की तैयारी कर रहे हों उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए, ये जो ऑब्जेक्टिव लिया गया है आपके अरिहंत बुक से लिया गया है और मेरा हर संभव प्रयास है कि अरिहंत बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए क्या कह रहा है, इनमें से किस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ के द्वारा बिना इनपुट एसी सिग्नल प्रदान किए उसके आउटपुट पर वांछित एसी प्राप्त किया जा सकता है। कह रहा है कि उस इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का नाम बताइए जो बिना इनपुट एसी सिग्नल प्रदान किए ही आउटपुट पे कह रहा है कि एसी प्राप्त हो। बिना इनपुट एसी सिग्नल दिए ही आउटपुट पे हमको क्या हो, वांछित एसी प्राप्त हो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक परिपथ को हम क्या कहते हैं, दोलित्र कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कि दोलित्र में हम क्या करते हैं, बिना इनपुट एसी सिग्नल के ही आउटपुट पे वांछित प्राप्त करते हैं, हम इसको दोलित्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दोलित्र परिपथ में डैश पुनः निर्विष्ट का प्रयोग किया जाता है। दोलित परिपथ में डैश पुनः निर्विष्ट का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोलित परिपथ में हम लोग धनात्मक फीडबैक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 3 नंबर क्वेश्चन को चलिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में जो निरंतर अंतराल पर परिवर्तित होने वाली वोल्टेज उत्पन्न करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में जो निरंतर अंतराल पे परिवर्तित होने वाले वोल्टेज उत्पन्न करती है उसे डैश कहते हैं, उसे दोलित्र कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है दोलित्र जिसमें क्रिस्टल प्रयोग होता है, दोलित्र जिसमें क्रिस्टल प्रयोग होता है, कोई ऐसा दोलित्र है जिसमें हम लोग क्रिस्टल प्रयोग करते हैं, प्रयोग होता है तो क्या होता है। देखिए कोई भी दोलित्र में यदि क्रिस्टल प्रयोग हो रहा है तो उसकी आवृत्ति स्थिर होती है, उसकी आवृत्ति स्थिर होती है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है अनडैम्प्ड दोलित्र का आयाम। देखिए अनडैम्प्ड दोलित्र का आयाम के बारे में पूछ रहा है कि अनडैम्प्ड दोलित्र का आयाम क्या होगा। देखिए इसमें से हम लोग 3 प्रकार के देखेंगे, 3 प्रकार के वार्क
होसेन मापदंड के अंतर्गत तीन प्रकार के कंडीशन होते हैं, यानी फीडबैक, फीडबैक फीडबैक फैक्टर के लिए। तो यहाँ देखिए, अनडैम्प दोलित्र का आयाम क्या होता है, एक समान होता है। अनडैम्प और दोलित्र का आयाम एक समान होता है। फिर होता है दूसरा रीजेनरेटिव। रीजेनरेटिव में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज का आयाम समय के साथ बढ़ता है। और एक होता है अवमंदित, जिसमें क्या होता है, आउटपुट का आयाम समय के साथ घटता है। तो ये देखिए, समय के साथ जो घटेगा वो होता है अवमंदित, वो होता है आपका अवमंदित, 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 अवमंदित होगा, समय के साथ कम होगा आयाम। और जो समय के साथ बढ़ेगा उसको हम लोग कहते हैं रीजेनरेटिव, रीजेनरेटिव, GENERAVE। और जो एक समान रहेगा समय के साथ उसका आयाम, तो उसको हम लोग कहते हैं अनडैम्प। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद चलिए छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, एक फिगर आपको दिया गया है और चित्र में प्रदर्शित दोलित्र, चित्र में प्रदर्शित दोलन स्थिति दर्शाया गया है। किस प्रकार का दोलन स्थिति दर्शाया गया है, तो देखिए अभी जस्ट बताएं आपको कि आयाम इसका क्या हो, क्या हो रहा है, यहाँ पे घट रहा है। देखिए इस तरह जा रहा है, ये घट रहा है। तो घटने वाले को अभी तुरंत बताएं आपको कि वो क्या होगा। घटने वाला का नाम दिया जाता है यदि दोलन के आउटपुट पर क्या हो, अवमंदित हो, यानी कुछ समय बाद समाप्त हो रहा है, यानी घट रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं अवमंदित। ये आपका अवमंदित होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि कोई फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ फेज में है, तब यह धनात्मक फीडबैक अथवा डैश कहलाता है। तब हम इसको कहते हैं, यदि कोई फीडबैक सिग्नल इनपुट सिग्नल के साथ फेज में है, तब यह धनात्मक फीडबैक अथवा रीजेनरेटिव कहलाता है। रीजेनरेटिव कहलाता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी, जो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कौन सा दोलित्र ज्यावक्रीय तरंग उत्पन्न करता है। कौन सा दोलित्र ज्यावक्रीय तरंग, देखिए कौन सा दोलित्र ज्यावक्रीय तरंग उत्पन्न करता है। तो ये फीडबैक दोलित्र जो है ज्यावक्रीय तरंग उत्पन्न करता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है वार्क होसेन से संबंधित दोलन स्थिति नहीं है। वार्क होसेन ने फीडबैक फैक्टर से संबंधित तीन नियम दिए थे, जिनमें से कह रहा है कौन एक नहीं है। तो इनमें से एक इन्फिनिटी वाला जो 9 का D जो देख रहे हैं, ये फीडबैक फैक्टर इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये नहीं होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोलित्र परिवर्तित करता है। दोलित्र देखिए परिवर्तित करता है, क्या था कि बिना इनपुट एसी सिग्नल के ही
आउटपुट पे हमको वांछित एसी प्राप्त हो रहा है, तो बिना इनपुट एसी, यानी बिना इनपुट एसी करने का मतलब कि वहाँ हम डीसी दे रहे हैं और हमको एसी प्राप्त हो रहा है, यानी डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करता है दोलित्र, जो ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर 11 नंबर क्वेश्चन को समझिए कि दोलन जारी रखने हेतु वर्क होसेन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम। देखिए, दोलन जारी रखने के लिए, दोलन जो है कंटिन्यू जारी रहेगा, रखने हेतु वर्क होसेन नामक वैज्ञानिक द्वारा स्थापित नियम क्या है कि फीडबैक फैक्टर का मान हमेशा क्या होगा, एक होगा। अगर दोलन जारी रहे तो दोलन जारी के केस में क्या होना चाहिए कि फीडबैक फैक्टर का मान हमेशा 1 होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर बी सही है। 12 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा, श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा समांतर पोषित हार्टले दोलित्र परिपथ को वरीयता प्रदान करने का कारण। देखिए, श्रेणी पोषित परिपथ की अपेक्षा समानांतर पोषित हार्टले दोलित्र परिपथ को वरीयता प्रदान करने का कारण ये है कि हम श्रेणी से अपेक्षा जो है ना, श्रेणी श्रेणी की अपेक्षा हम लोग समांतर हार्टले दोलित्र परिपथ का वरीयता देते हैं। को वरीयता देने का रीजन ये है कि ये क्या होता है, उच्च आवृत्ति स्थिरता होता है, कौन, समांतर पोषित हर्टले दोलित्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। 13 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हर्टले दोलित परिपथ की आवृत्ति निर्धारित करने का सूत्र। हर्टले दोलित परिपथ का जो आवृत्ति होता है उसको हम किस सूत्र के माध्यम से ज्ञात करेंगे, ये ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, एफ आर इज इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, जो ऑप्शन नंबर बी है, इस सूत्र के माध्यम से हर्टले दोलित परिपथ की आवृत्ति ज्ञात की जाती है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में, ये जो 14 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, ये 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में ज्यावक्रीय दोलित्र दर्शाया गया। कौन सा ज्यावक्रीय दोलित्र दर्शाया गया है, तो ये देखिए, ये जो फिगर जो आपका है, ये आपका हर्टले श्रेणी पोषित दोलित्र है। ये फिगर हर्टले श्रेणी पोषित दोलित्र है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर समझिए। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉलपिट दोलित परिपथ की मुख्य विशेषता है। कॉलपिट दोलित परिपथ की मुख्य विशेषता क्या है, तो इसका मुख्य विशेषता है कि ज्या तरंग आवृत्ति दोलन उत्पन्न करना। कॉलपिट क्या करता है, हमको ज्या तरंग आवृत्ति के दोलन उत्पन्न करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। कह रहा है कॉलपिट दोलित्र उपयोग करता है। देखिए, कॉलपिट दोलित्र उपयोग क्या करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कॉलपिट दोलित्र जो है उपयोग करता है निष्कासित कैपेसिटर का। इसमें जो है हम लोग निष्कासित कैपेसिटर का उपयोग करते हैं कॉलपित्र दोलित में, जो ऑप्शन नंबर बी
सही है। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करें, शेयर करें। यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आप लोगों को करेंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।